गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर का आईएससी 2011 में जो क्वेश्चन आया था उसको डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन की तरफ देखो। अहमद, बीना एंड चित्रा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 321। उनका 31 मार्च 2010 का बैलेंस शीट है। तीनों का कैपिटल जनरल लेजर, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, इक्विपमेंट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर एंड कैश। फर्स्ट पार्टनर अहमद का डेथ हुआ है ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, सेम डेट 31 मार्च को ही हुआ है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है। ये देखिए, इक्विपमेंट का दाम 350 हो गया, यहां 3 लाख है, दैट इज 50,000 इंक्रीज कर गया। फर्नीचर 10,000 इंक्रीज कर गया। प्रोविजन 10% ऑन डेटर क्रिएट करेंगे 8,000। स्टॉक का दाम 83 हो गया, यहां देखिए 75 है, 8,000 यहां बढ़ गया। ये एबीसी तीन रिवेल्युएशन का आइटम हो गया। गुडविल का वैल्यू 30,000 दिया है। मेन लाइन यहां पे दिया है कि जो रिटायरिंग, ये जो सर्वाइविंग पार्टनर्स होंगे, मतलब अहमद के डेथ के बाद बीना और चित्रा जो पार्टनर होगा, वो लोग डिसाइड किया है कि एसेट्स लायबिलिटी का वैल्यू जो पहले है वही रहेगा। मतलब कोई भी एसेट लायबिलिटी का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, सिर्फ बैंक बैलेंस को छोड़कर, ऐसा वो लोग एक्सेप्ट कर दिया है। तो अगर बैलेंस शीट में जो है उसको एज इट इज मेंटेन करना है तो पार्टनरशिप चैप्टर चाहे जो भी हो, किसी भी एडजस्टमेंट को अगर आप नेट एंट्री कर देते हो तो इससे एसेट्स लायबिलिटी का वैल्यू रिमेन्स अनएफेक्टेड होता है। जैसे गुडविल का नेट एंट्री करना होगा, जनरल रिजर्व का नेट एंट्री करना होगा, यहां रिवेल्युएशन प्रॉफिट या लॉस जो आएगा उसका नेट एंट्री करना होगा। अगर ऐसा करते हैं, कैपिटल से कैपिटल को एडजस्ट कर देते हैं तो बैलेंस शीट में कोई प्रकार का चेंज नहीं होगा। अहमद जो डेथ किया है उसको एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करें, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, रिक्वायरमेंट था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। सबसे पहले थोड़ा सा वर्किंग का बात करते हैं। ओल्ड रेशियो, तीन पार्टनर थे उनके बीच में रेशियो था 3:1। अहमद के डेथ होने से रेशियो में चेंज आ गया, नया रेशियो दिया हुआ नहीं है, 2:1। ये हम लोग रेशियो को लिख लिए, ओल्ड रेशियो 3:1, अहमद के डेथ करने के बाद रेशियो बच जाएगा 2:1। हम लोग को रिवेल्युएशन का बहुत सारा आइटम मिला था तो हम लोग वर्किंग में रिवेल्युएशन अकाउंट बना लेते हैं। रिवेल्युएशन अकाउंट से पता चल जाएगा प्रॉफिट या लॉस। अच्छा, किसी का इफेक्ट लेना नहीं है, सारा चीज नेट एंट्री से होगा। तो ये वर्किंग नंबर 2 रखते हैं, रिवेल्युएशन अकाउंट। सबसे पहले इक्विपमेंट का दाम इंक्रीज किया था 50,000, तो बाई इक्विपमेंट 50,000 इंक्रीज हुआ था। फर्नीचर 10,000 इंक्रीज हुआ था, बाई फर्नीचर 10,000 हुआ था। प्रोविजन क्रिएट करना है 10% टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो 8,000 होगा। 80,000 का डेटर है, 10% 8,000। स्टॉक का दाम 75 से 83 हो गया, इंक्रीज हो गया, बाई स्टॉक वो 8,000 हुआ। इसको अगर आप ऐड कीजिए 68 होगा, यहां ले आइए 68 होगा, तो यहां पे प्रॉफिट ऑन रिवेल्युएशन 60,000 होगा। अगर आप रिवेल्युएशन बनाते हो तो बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी चेंज हो जाता है तो हम उसको एडजस्टमेंट कर देते हैं, एडजस्टमेंट फॉर रिवेल्युएशन प्रॉफिट। ये जो रिवेल्युएशन का प्रॉफिट हुआ है इसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। पार्टनर है अहमद, बीना और चित्रा, ये पार्टनर है। पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो 3:1, तो इसको मिल जाएगा 30,000, 20,000 और 10,000। फिर रिटेन बैक हो जाएगा,
वापस उसको रिटेन बैक कर देंगे 2:1 का रेशियो में, ये डेथ क्योंकि डेथ हो गया है, इसके हिस्सा आएगा 40,000 20,000, ये बच गया 30,000 पॉजिटिव और ये हो गया 20,000 निगेटिव और ये हो गया 10,000 निगेटिव। अब जैसा आप जानते हो माइनस वाला डेबिट, दैट इज बिना कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, चित्रा कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू अहमद कैपिटल अकाउंट, ये हो गया 30,000। सेम एडजस्टमेंट जनरल रिजर्व के लिए करेंगे, जनरल रिजर्व का पैसा 1,20,000 है, 1,20,000 है, एडजस्टमेंट सेम एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट फॉर जनरल रिजर्व, जबकि वो बोला है कि कोई एसेट लायबिलिटी का वैल्यू चेंज अलाउ नहीं है, तो हम लोग जनरल रिजर्व को भी उसी कैटेगरी में ले आते हैं। जनरल रिजर्व का अमाउंट डबल है, 1,20,000 है, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड 3:1 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 60:40:20। अब फिर माइनस क्रिएटेड, क्रिएट करेंगे न्यू रेशियो में, ये डैश हो जाएगा 80,000 और 40,000, ये देखिए 60,000 पॉजिटिव है, ये 40,000 निगेटिव आ गया और ये 20,000 निगेटिव आ गया। तो अभी आपको बताए थे माइनस वाला डेबिट, दैट इज बिना कैपिटल डेबिट 40,000, चित्रा कैपिटल डेबिट 20,000 टू अहमद कैपिटल 60,000। यही एक एडजस्टमेंट और करेंगे, लास्ट वर्किंग है गुडविल के लिए, गुडविल से ही तो ये सीखा जाता था, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। चाहते तो तीनों को एक साथ कर सकते थे, तीनों सिमिलर टॉपिक है, तीनों ऐड करके एक एंट्री में तीनों को लाया जा सकता था, ठीक है। पहले हम लोग गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1, गुडविल का वैल्यू इस बार 30,000 है, 15,10,5, और फिर इसको रिटेन ऑफ कर देते हैं, रिटेन ऑफ में जाएगा 2:1 ये डैश, तो 30,000 का ये आएगा 20,000 और ये आएगा 10,000, ये 15 देखिए पॉजिटिव है, ये 10 निगेटिव हो जाएगा और ये 5 निगेटिव हो जाएगा। तो अभी हम लोग किए थे निगेटिव वाला डेबिट, अगेन बिना कैपिटल डेबिट 10,000, चित्रा कैपिटल डेबिट 5,000 टू अहमद कैपिटल 15,000। ऐसे करके हम तीन वर्किंग दिखा दिए डिटेल, जिसमें रिवैल्यूएशन बनाए, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया, बोला है बैलेंस शीट में इफेक्ट नहीं लेना है एसेट्स लायबिलिटी को, तो नेट एंट्री दिखा दी आपको, वही चीज जनरल रिजर्व का दिखा दिए और सेम वही चीज गुडविल का दिखा दिए। इसको एक साथ कर सकते थे, तीनों प्लस करने के बाद अहमद का शेयर कैलकुलेट करते और बिना चित्रा में गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो भी हो जाता। चलिए अब इसको लेजर में पोस्टिंग करके दिखाया जाए। ये रहा आपके सामने कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले कैपिटल में बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे, कैपिटल का बैलेंस देंगे, बाई बैलेंस बीडी 1,50,000, 1,50,000, ठीक है। तीन एंट्री किए थे, तीनों एंट्री को लाते हैं, बाई बिना कैपिटल अबाई चित्रा कैपिटल, पहले रिवैल्यूएशन का एंट्री किए थे तो 20,000 10,000, इनसे कोई मतलब नहीं है। फिर बाई बिना कैपिटल अबाई चित्रा कैपिटल, उसके बाद जनरल रिजर्व का किए थे, इसको मिला था 40,000 20,000,
इनसे कोई मतलब नहीं है। फिर से एक बार बाय बीना कैपिटल बाय चित्रा कैपिटल, इस बार वो गुडविल का था, इसका था 10,000, इसका था 5,000। अब इनका पोस्टिंग टू में ही आएगा, टू अहमद कैपिटल, फर्स्ट टाइम वाला था 20,000 और 10,000, फिर से टू अहमद कैपिटल 40,000 अब 20,000, फिर से टू अहमद कैपिटल 10,000 5,000। ये तीन एंट्री था, एक रिजर्व, एक रिवेल्युएशन और एक गुडविल, इसके अलावा कुछ नहीं है। डेथ वाला पार्टनर को एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देंगे, टू एग्जीक्यूटर ऑफ अहमद अकाउंट ट्रांसफर, उन दोनों को टू बैलेंस सीधी कर देंगे। जो डेथ हुआ है उसका पैसा एग्जीक्यूटर में चला जाएगा और वो लोग सीधी हो जाएंगे। ये 1,50,000, इसका 1,00,000, ये 50,000, ये 30 5 35 गया 15 बचेगा, ये 70 गया 30 बचेगा। अब एग्जीक्यूटर वाला जोड़ते हैं, 30 70 90 100 105, 255 यहां से 255। बैलेंस शीट बनाना है, बैलेंस शीट में ज्यादा चेंजेस नहीं है क्योंकि यहां पे बोल दिया था आप बैलेंस शीट को इफेक्ट नहीं कर पाओगे। तो पार्टनर्स कैपिटल इसमें बीना अचित्रा, बीना का बचा था 30,000, अचित्रा का 15, तो हो गया 45। एग्जीक्यूटर ऑफ अहमद, अहमद का एग्जीक्यूटर 255। किसी को चेंज नहीं करना है, जनरल रिजर्व जैसे था वैसे रहेगा 1,20,000। क्रेडिटर्स, अब बिल्स पेबल में भी नो चेंज, क्रेडिटर है 75, बिल्स पेबल 20, ये हो जाएगा इसका टोटल। एसेट्स में भी नो चेंज है क्योंकि मना किया हुआ था। इक्विपमेंट था 3,00,000 रुपया का, तो वही 3,00,000 ही रहेगा। फर्नीचर 50,000 का था, तो फर्नीचर भी 50,000 ही रखेंगे, नो चेंज। स्टॉक 75 का था, स्टॉक 75 रखेंगे। डेटर 80 था, डेटर 80 रखेंगे। अच्छा, बोला था बैंक चेंज कर सकते हो, लेकिन कोई पेमेंट नहीं हुआ है, कोई पैसा नहीं मिला है, तो बैंक 10,000 ही रखेंगे। एसेट्स का टोटल है 515, इधर देखा जाए 515 हुआ कि नहीं, 4 20 50, यस 515। ऐसे करके देखिए, आपको बोथ साइड टोटल मिल गया, कैपिटल बना दिए, बैलेंस शीट बना दिए। इम्पॉर्टेंट वन ये बात था, अगर पार्टनरशिप के समय बोलता है कि आपको उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में दिखाना नहीं है, तो आप नेट एंट्री कीजिए, पार्टनर्स कैपिटल में ही उसको एडजस्ट करिए। उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।